अच्छा, सो टू स्टार्ट विथ, आई विल स्टार्ट विथ अ सिंगल क्वेश्चन विच अगेन वील लाइक यू विल आंसर राइट नाउ एंड अगेन आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन. टू ऑप्शंस आई एम गिविंग इट टू यू. आई एम नॉट गिविंग, से सपोज योर ग्रैंड मदर इज आस्किंग यू वेदर यू विल टेक 100 rupees फ्रॉम हर टूडे और शी सेज इफ यू आर पेशेंट इनफ आई विल पुट 105 इन योर पिगी बैंक विच यू कैन टेक इट आफ्टर 1 year. You have two options. One, taking 100 rupees from her today. Second option, she puts 105 in a piggy bank, which nobody is going to steal. After 1 year, you will get how much? 105 rupees. Now, which option would you choose? First. Taking 100 rupees. Sabke sab? Koi nahi jo alternate. अलग रहना है सबसे क्राउड से. अच्छा गुड, 1 साल 5 रुपए. थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, दादी के पास बहुत पैसे हैं ठीक है, छुपाया हुआ था 25 साल से, डिमोनेटाइजेशन आया सब निकल रहा है. नाउ शी सेज आइदर शी विल गिव यू 1 crore rupees आज के दिन और आफ्टर 1 year शी विल गिव यू 1 crore 5 lakh. नाउ विच वन वुड यू प्रेफर? फर्स्ट वन. अच्छा क्यों? ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए. अच्छा ठीक है, किसी का ऐसा कि क्या पता 1 साल बाद पैसे मिले या नहीं मिले, किसी को ये डाउट है? अज्यूमिंग कोई विजय माल्या के तरह नहीं है क्या? चलो दादी रहना रहे, उनका पैसा तो रहेगा, तुम्हारे पास ही रहेगा उनका पैसा. सी एक बार इग्नोर करो कि पैसे मिलेंगे या नहीं, श्योरिटी है पैसे मिलने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन है कि 100 टुडे 105 लेटर, फिर बोले 5 रुपये में फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत पैसे है, 5 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता. 1 crore today और 1 crore 5 lakh rupees आफ्टर 1 year. 1 crore, सबके सब 1 crore, कोई नहीं 1 crore 5 lakh वाला. अच्छा बात है, सब गलत हो गए ठीक है. क्लास के एंड हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन का कोई आंसर है नहीं सच करेक्ट, कि कौन सा बेटर है या नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन ऑन सर्टेन अदर थिंग्स. हम लोग देखने वाले हैं क्या. सो टू ब्रीफ यू विद द पेपर, CM1 ईजिएस्ट पेपर है ऑफ द फर्स्ट स्टार्टिंग पेपर्स, और जितने भी पेपर्स बोलो, जितने नहीं, CB3 है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो और ईजी है. ऑफ द फर्स्ट 4 main papers बोलो, सबसे ईजिएस्ट पेपर है बट सबसे लेंथीएस्ट है. 28 chapters है. सबसे पहला काम कॉपी निकालो, 28 chapters हम लिखा रहे हैं, लिखो पूरा. टैबुलर फॉर्म में लिखना, पहला एक टेप कॉलम बना लो, 1 से लेकर 28 लिख लो. एकदम कॉपी का फर्स्ट पेज, वो एक पेज उल्टा के मत करना, जस्ट इंडेक्स का जो फर्स्ट पेज रहता है कि जब भी कॉपी खोलो वहीं पे ध्यान जाए. वन से 28 लिख लो सर. अच्छा बेटर क्या होता है, मैं डिक्टेट करूँ या बोर्ड में लिखूँ? डिक्टेट करना आ जाता है, बेटर होता है. लिख लिया 1 से 28. चैप्टर नेम्स मैं लिखा रहा हूँ, सबसे पहला डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस. सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअरियल मॉडलिंग. प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअरियल मॉडलिंग, प्रिंसिपल्स कर देना, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअरियल मॉडलिंग. थर्ड, कैश फ्लो मॉडल्स. कैश फ्लो मॉडल्स. फोर्थ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फिफ्थ, इंटरेस्ट रेट्स. नेक्स्ट, रियल एंड मनी इंटरेस्ट रेट. रियल एंड मनी इंटरेस्ट रेट. नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग एंड अक्यूमुलेटिंग. सिंगल चैप्टर नेम, डिस्काउंटिंग एंड अक्यूमुलेटिंग. नेक्स्ट, लेवल एनुइटीज. लेवल एनुइटीज.
ANNUITIES level annuities. Next, increasing annuities. Next, equation of value. Next, loan schedule. Next, project appraisal. Next, bonds, equity and property. जो सबको चाहिए होता है, बॉन्ड्स, इक्विटी एंड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. नेक्स्ट, लाइफ टेबल. Next, life assurance contracts. Next, Life annuity contracts. Chapter का नाम लिख के मत थको, आगे बहुत थकना है questions करते. Life annuity contracts. Next, evaluation of assurance and annuities. Next, थोड़ा बड़ा नेम है चैप्टर का, variable benefits and conventional with profit policies. With profit policies. Next, gross premiums. सब 20th में होना भी. Gross premiums. Next, gross premium reserves. Next, joint life and last survivor functions. Next, contingent and revisionary. REVERSIONARY. Revisionary assurances, contingent and revisionary. Contingent and revisionary benefits. Next, mortality profit. Next, competing risks. Next, unit linked, लंबा है थोड़ा, unit linked and accumulating with profits contracts. Next, profit testing. Last, reserving aspects of profit testing. अच्छा, so how many of you are aware कि CM1 पहले क्या था? इस साल से क्या हुआ, curriculum change हुआ, अभी CM1, इसके पहले papers नाम पता है? CT1, CT5. फर्स्ट चैप्टर जो है डेटा एनालिसिस, टोटली न्यू है वो. सेकेंड चैप्टर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअरियल मॉडलिंग, लिख लो वहाँ पे ब्रैकेट में, CT4 से आया है.
थ्योरी चैप्टर है पूरा. फर्स्ट थ्री चैप्टर्स फुल थ्योरी है. सेकेंड चैप्टर जो है सीटी फोर से आया. चैप्टर थ्री से चैप्टर 14 इज फ्रॉम सीटी वन. 3 to 14 सीटी वन है. फिफ्टीन टू ट्वेंटी एट सीटी फाइव है. एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिख लो एक्सक्लूशंस या फिर चैप्टर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीटी वन एंड सीटी फाइव. चैप्टर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीटी वन एंड सीटी फाइव. सीटी वन में लिखो डेरिवेटिव्स एंड नो आर्बिट्राज प्राइसिंग. नो आर्बिट्राज प्राइसिंग ए आर बी आई टी आर ए जी ई. आर्बिट्राज सुने हो कभी? नेक्स्ट स्टोकास्टिक मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. स्टोकास्टिक मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. स्टोकास्टिक एस टी एस टी ओ सी एच ए एस टी आई सी. स्टोकास्टिक मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. दोनों में ब्रैकेट में लिख लो CM2. दीज टू चैप्टर्स वर फ्रॉम CT1. दे आर नॉट कवर्ड इन CM1. दीज हैव बीन शिफ्टेड टू CM2. CT5 का मैं बता रहा हूँ. पेंशन फंड्स. पेंशन फंड्स नेक्स्ट. मोर्टैलिटी. मोर्टैलिटी कॉमा मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी एम ओ आर बी आई डी आई टी वाई. मोर्टैलिटी क्या होता है? डेथ. मॉर्बिडिटी इलनेस. मोर्टैलिटी एक तरीके से क्या हो गया? डेथ रेट से हो गया. मॉर्बिडिटी बेसिकली इलनेस रेट हो गया. मोर्टैलिटी मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन. दीज टू टॉपिक्स हैव बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड. कोई पेपर्स में नहीं है स्टार्टिंग के. मैं स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट फोर पेपर्स का बात कर रहा हूँ. किसी में ये दो चैप्टर्स हैं नहीं. बता क्यों रहा हूँ? CM1 तुम लोग को पेपर्स दो मिलने वाले हैं. एक कौन सा मिलने वाला है? अप्रैल अटैम्प्ट का मिलने वाला है CM1, और एक ये सेप्टेम्बर अटैम्प्ट का मिलने वाला है. बाकी जितने पास पेपर्स होंगे सारे किस फॉर्मेट में रहेंगे? CT5 CT1. तो तुम लोग जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन देखोगे उसको क्या करना है? सिंपली इग्नोर करना है, क्योंकि वो CM1 सिलेबस में नहीं है. जो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअरियल मॉडलिंग है उसके लिए अलग से CT4 पास पेपर्स रिक्वायर्ड नहीं है. अलग से हम लोग सारा क्वेश्चन उसको ऑलरेडी एक जगह पे देख के रखेंगे. तो ये तो सिलेबस स्ट्रक्चर हुआ अपना. करना क्या क्या चीज़ें देखो, लिख लो. पता है बाकी लोग जो लोग पेपर्स पढ़े हो, रिविजन नोट्स लिख लो. रिविजन नोट्स ब्रैकेट के अंदर लिख लो वी 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 इम्पोर्टेंट. वेरी 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 लिख लो लिख लो. हाँ नेक्स्ट पेज में लिख लो. अभी और हम एक पेज पूरा ज्ञान लिखाने वाले हैं, फिर पढ़ाएंगे. हाँ क्या तुम लोग ये हेडिंग लिख ली क्या पहले? ठीक है कोई बात नहीं. देखो मैं बोर्ड पे जो लिखता हूँ उसको कॉपी मत करो जब तक मैं बोलूँ नहीं. हाँ तो वो कोई वीडियो में देख रहा है उसको पता है ना टॉपिक क्या है. बस तुम लोग कॉपी मत क्या करो, जब बोलूँगा तब कर लेना. कहाँ पे थे हम लोग अभी? रिविजन नोट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लिए. लिख लो पास्ट पास्ट क्वेश्चंस ऑफ आईओफा IFOA. सबको पता है IFOA क्या है? जो बहुत पैसा लेते हैं एग्जाम्स देने का, UK इंस्टीट्यूट. पास्ट क्वेश्चंस ऑफ आईओफा IFOA सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज. सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज. ध्यान नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली. शायद 11 बुकलेट्स हम लोग के पास रिविजन नोट्स में. टोटल 11 बुकलेट्स. 11 या 12 में को ध्यान नहीं आ रहे थे. नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस.
लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बोल्ड में लिख लो क्योंकि तुम लोग सब छोड़ देते हो उसको लास्ट मोमेंट में. वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर IAI. कोई यहाँ देने वाला है नहीं, ठीक है, लिख लो इसमें क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर. क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर लिख लो, सब लिख लो, आता सबको है बट लिख लो. क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर इन द इंस्टीट्यूट मटेरियल. एक्स असाइनमेंट्स, एक्स असाइनमेंट्स ब्रैकेट में 5 लिख लो, 5 एक्स असाइनमेंट्स है CM1 में. मॉक पेपर्स, फुल लेंथ मॉक पेपर्स नहीं है, टॉपिक वाइज है. मॉक पेपर्स 28 चैप्टर्स है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो एक्स सीरीज है उसी के ऊपर बेसिस है. तो कर लो चैप्टर 1 to 9. नेक्स्ट लाइन लिख लो पार्ट 1 चैप्टर 1 to 9, पार्ट 1 चैप्टर 1 to 9, पार्ट 2 10 to 13, पार्ट 3 14 to 19, पार्ट 4 20 to 23, पार्ट 4 20 to 23, पार्ट 5 24 to 28. नेक्स्ट लाइन 2006 to 2019 लिख लो. ये 2006 से 2019 कितना ईयर्स होता है? 13, कोई नहीं, 14 ईयर्स होता है. क्या डिफरेंस लेके प्लस 1. 2006 से 2019 14 पेपर्स. हर साल कितने पेपर होते हैं? 2. अच्छा तो कितना हो गया? 28 पेपर्स. या ओफ है आई और आई के भी कितने बोल लो, 28, कितना पेपर्स लग रहा है? 56 है. 100 कैसे? CT1 का अलग है, CT5 का अलग है. लिखो 2006 से लेके 2018, 2006 से 2018 CT1 के कितने पेपर्स हुए? 18 तक. 19 से तो नया करिकुलम है. 6 से लेके 18 CT1 के कितने पेपर्स हुए एक इंस्टीट्यूट से? 13 ईयर्स 26 पेपर्स. लिख लो 26 पेपर्स आईओफा, 26 पेपर्स IAI. वो काम आते बाद में. और डरा रहे इस बार नहीं डरा. मेरे पास आया नहीं अभी ऐसे, तो 1:30 बजे अभी स्लॉट पहला 1:30 बजे का है. तुम गुंजन को टेक्स्ट करके रख दो फिर. मेरे पास तो आया नहीं है. पूछ भी नहीं सकता हम किसी से भी जो एग्ज़ाम दे रहा है. कोई ऑनलाइन रहेगा नहीं. कंटेंजेंट लिंक से मिल जाएगा. कंटेंजेंट लिंक हाँ नहीं, उन लोग के पास सबके पास मेल में लिंक आते हैं. नहीं नहीं, किसी को बोलो जो अभी स्लॉट में है. लिंक सबका सेम रहता है, उसको लिंक मिलेगा वो जाके एक्सेस कर. सबका लिंक अलग है तो फिर उसको जो अभी स्लॉट का उससे लिंक लेने बोलो. क्योंकि अभी अच्छा नहीं, हम लोग के यहाँ कोई स्लॉट का ही नहीं. हम लोग के यहाँ स्लॉट का कोई है ही नहीं. सब सेकेंड या थर्ड स्लॉट के. हाँ स्लॉट का कोई है ही नहीं. अभी 9:30 और 10 वाला स्लॉट है. मतलब तुम्हारा कोई ऑनलाइन रहेगा, हम बोल देंगे. कहाँ थे हम लोग? 26 पेपर्स ना, 26 आईओफा सॉरी CT5 26 + 26 कितना हुआ?
अभी जितना मेंटल कैलकुलेशन करना है करके रखना, एग्जाम में कैलकुलेशन के समय अपने आप को बेवकूफ़ समझ के करना, 5+5 भी डाउट हो कैलकुलेटर में चेक कर लेना, अभी तो बिल्कुल मत करना, अभी जितना मेंटल लगाना लगाओ, एग्जाम में कैलकुलेटर में देख लेना कहीं भी डाउट हो, 17 × 17 289 होता है, नहीं आते किसी को मत, एग्जाम में अपना हम लोग को मेंटल मैथ्स नहीं लगाना, कैलकुलेटर है यूज कर लेना। 2019 टू पेपर्स आईओफा, टू पेपर्स आईएआई, कितना हुआ टोटल, 108 पेपर्स हुआ। तुम लोग आईओफा से दो, आईआई से दो, ये 108 पेपर्स एग्जाम कंडीशन में सॉल्व करना, ठीक है वाला चीज, कहीं से भी दो, ऐसा नहीं है कि आईआई का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आईओफा से कंपेरेबली तुम लोग को पेपर्स डिफिकल्ट लगेगा बट वो डूएबल है, बाकी पेपर्स में जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट होता है, CT1 CT5 उतना डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा मे बी और रहे बट करना है वाला चीज़, 108 पेपर्स एग्जाम कंडीशन में देना, और एक पेपर में तुम लोग को 2 घंटा लगाना है मैक्सिमम, CM1 वाले में 3.25 घंटा लगाना, CT1 CT5 इफेक्टिवली तुम लोग के पेपर में 70 मार्क्स रहेगा, 2 घंटा काफ़ी है उसके लिए। ये तो आया पेपर स्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करके जाना है, ये करके जाओ 100% गारंटी तो बोल नहीं सकता, ये कर लोगे फिर पेपर क्लियर नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अलावा इंसान और कुछ प्रैक्टिस कर नहीं सकता, ये प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस एक ही टाइप का आने वाला है, तुम लोग अभी जो लोग पेपर्स दे चुके हो देखोगे मैक्सिमम क्या होता है, 60-70 मार्क्स एग्जैक्टली पास्ट ईयर रहेगा, सेम चीज़ इस पेपर में है, पेपर बहुत डिफिकल्ट है अलग बात है, कितना भी डिफिकल्ट हो इतना प्रैक्टिस की हो एग्जाम में तुम लोग क्वेश्चंस कर पाओगे, मेन तुम लोग को फोकस करना है कैलकुलेशन पे और एफिशिएंसी। शुरू हम लोग जो करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आज Chapter 4 to Chapter 14 हम लोग जो क्वेश्चन क्लास के बिगनिंग में पूछे थे कि कौन सा बेटर है, आज 100 रुपीज़ लेना एक साथ 105 लेना, कंसेप्ट क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तुमको कोई आज 100 रुपये दे और कोई एक साल बाद 100 रुपये दे, कौन सा प्रेफर करोगे आज, ये तो क्लियर कट है, ठीक है, ये भी देखेंगे ज़रूरी नहीं है, तुमको पैसे किसी को देने हैं जो पसंद नहीं किसी को, आज 100 रुपये देने हैं एक साल बाद 100 रुपये देने हैं, क्या प्रेफर करोगे, एक साल बाद, कोई ऐसा भी बोलेगा यूके चले जाएंगे हिमालिया की तरह, देंगे नहीं पैसा, तो तुम लोग क्या बोल रहे हो, पैसा मिलने के समय जितना जल्दी आए बेटर, देने के समय जितना लेट हो। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, विच वुड यू प्रेफर, पेइंग 100 रुपीज़ टुडे और पेइंग 105 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर, 105 आफ्टर 1 ईयर, कोई है जो आज 100 रुपीज़ पे करना प्रेफर करेगा, देख लो यह क्वेश्चन को अच्छे से जवाब दो क्योंकि इसका इम्पैक्ट आने वाला है तुम लोग का 1 घंटे बाद, क्या क्या बेटर है, आज 100 रुपीज़ देना है एक साल बाद, 100 हटाओ, आज किसी को 1 करोड़ दोगे, अज्यूम कर लो है तुम लोग के पास, या एक साल बाद 1 करोड़ 5 लाख दोगे, आज दोगे 1 करोड़, ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको कैसे एड्रेस करते हैं इस क्वेश्चन को। सो चैप्टर 4 से जो 14 है, सिंपल चीज़ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपेयर करना है, एक चीज़ जो माइंड में भी याद रखना अपने को, क्या वील अज्यूम कि जो भी कैश फ्लो हो रहा है, जो भी पैसा मिल रहा है देना हो रहा है, कोई डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी नहीं है, सब भले लोग हैं, पैसे बोले है देंगे तो देंगे, ऐसा नहीं है कोई भाग जाएगा, तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। जब चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे सारा कैश फ्लोस क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, शुरू में सारा कैश फ्लोस क्या रहने वाला है, सर्टेन। CT1 CT5 में हम लोग बोलते क्या थे, CT1 इज ऑल अबाउट सर्टेन कैश फ्लोस, CT5 इज ऑल अबाउट अनसर्टेन या कंटेंजेंट कैश फ्लोज, कोई कैश फ्लो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्लियर वाला चीज़। अब जैसे सपोज तुम लोग ने आज मेंबरशिप लिया इंस्टीट्यूट में, कितना पैसा देना होता है, 25,000 अराउंड, 208 पाउंड था लगेगा, जिनका नहीं लगा मेंबरशिप फी 208 पाउंड है, करेंसी अभी पता नहीं 85-86 होगा, रफली 18,000 to 19,000 rupees, ठीक है, तुम लोग दे दिए इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, अभी इसका मेंबरशिप फी आया है, नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होएगा, एटलीस्ट एक पेपर के लिए तो क्या आने वाला है, एग्जाम फीस आने वाला है, कितना एग्जाम फीस है तुम मत बताना भव्य, बाकी लोग उसका ध्यान रख क्या,
अच्छा इसके पहले हम सबको भी बता देते हैं, रिड्यूस्ड फीस करके होता है, किसी के पापा अंबानी भी है एक्स्ट्रा पैसे इंस्टीट्यूट को मत देना, यहाँ गुल्लक है डाल देना, रिड्यूस फीस टिक कर देना, फुल फीस बहुत ज़्यादा है, रिड्यूस फीस तुम लोग सब एलिजिबल हो, आई एम अज्यूमिंग सब एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, खुद का इनकम, फैमिली नहीं, खुद का इनकम 7300 पाउंड्स इंडियन करेंसी में रफली 5.5 से 6 लाख रुपये साल का, उससे कम होना चाहिए टैक्स फाइल में, ब्लैक में कुछ वो फर्क नहीं पड़ता, टैक्स फाइल में उससे कम होना चाहिए, सबके सब रिड्यूस रेट है, मैं जो भी कोड कर रहा हूँ सब रिड्यूस रेट है, फुल रेट मत पे करना इंस्टीट्यूट रिफंड नहीं करेगा, किसी को सबक लेना हो वी हैव भव्य, गलती से फुल पे हो गया तो मत करना, जब बुक करोगे लिखा रहता है वहाँ पे अलग से एस्ट्रिक देखे इज रिड्यूस रेट एलिजिबल फॉर यू आर नॉट, तो उसको टिक कर देना शुरू में। कमिंग टू इट, जो एग्जाम्पल पे वी आर गोइंग, इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म, एटलीस्ट वन पेपर का क्या होगा, एग्जाम फीस आएगा कितना है, मेंबर्स लोग के लिए 165 पाउंड है CM1 का, इंडियन करेंसी में 15,000 एक बार लेके चलो, क्या जरूरी है सब 15,000 पे करेंगे, कौन पे करने वाला है, जो एग्जाम देगा, बहुत लोग ऐसे भी है 2 महीना बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे नहीं होने वाला एक्चुअरीज, बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कोई कारण से डेफर कर रहे हैं, कॉलेज में एग्जाम है, कोई लोग 2 पेपर भी दे सकते हैं। पॉइंट इज ये 15,000 वाला कैश फ्लो क्या सर्टेन है, नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चैप्टर 15 से 28 ही अपने को डील करना है कि कैश फ्लो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है सिंपल फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, सिंपल कंसेप्ट यही है, मेरे को अगर मरने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, नोट करना चैप्टर 15 से, मेरा लाइफ में एक ही काम है लोग को मारना है जिंदा रखना, दिन भर मरने के बाद बातें करेंगे तो कोई सेंटिमेंटल मत होना, हम बोलेंगे तुम मरोगे तुम मरोगे बोलने का बात है, पॉइंट इज मरने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, से आज क्लास में कितने 20 लोग हैं सपोज, ठीक है एक साल तो नहीं बोलता हूँ डर जाओगे, 50 साल का टाइम पीरियड लेते हैं ठीक है, सिर्फ 50 साल में, 50 साल छोड़ो और सेंट 100 साल लेते हैं, उतना तो और किसी को जीना है नहीं, 100 साल में से सपोजिटली एक जन का डेथ होता है, आज के दिन कितने लोग हैं 20 है, 100 साल में कितने जन का डेथ हो रहा है इस 20 लोगों में एक जन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ विद इन 100 ईयर्स, 1/20 सिंपल कंसेप्ट है, डिनोमिनेटर में क्या आता है टोटल आउटकम, मेरे सैंपल में आउटकम कितने हैं 20 लोग हैं, अनमर कितने लोग हैं एक, क्लियर है, सो इनिशियली शुरू के क्लासेस विल अज्यूम कैश फ्लो सर्टेन है, आई वोंट बी रिपीटिंग अगेन कि भाई सर्टेन है वी आर अज्यूमिंग, कैश फ्लो हो रहा है तो हो रहा है, चैप्टर 15 ऑनवर्ड्स सारे कैश फ्लोज क्या रहने वाले हैं अनसर्टेन, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे मेजरली कि इंसान जिंदा है या नहीं है, चैप्टर 15 से 28 हम लोग जो करने वाले हैं बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस जो होता है सारा हम लोग वर्किंग, सारा मतलब जो सीखेंगे यहाँ पे वो लाइफ इंश्योरेंस में लगने वाला है, पूरा पेपर देखेंगे CM1 लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या है डिवोटेड है, तुम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हम लोग करेंगे आज स्टार्ट, तुम लोग शायद स्कूल में क्यों होगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यहीं स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोग BCom कर रहे हैं उनका भी शायद होगा, बेसिक चीज़ है एकदम, एक नॉर्मल लॉजिक है कि पैसे अगर किसी को दे रहे हो चैरिटी करने को कोई नहीं देता, किसी को पैसे दे रहे हो तो बाद में क्या लोगे ब्याज विथ इंटरेस्ट वही क्या डायलॉग क्या होता है ब्याज सूद समेत चाहिए पैसे, सो देखो अच्छा ये हुआ, क्लासेस पे आ जाते हैं कितने क्लासेस होने वाले हैं, लिख लो पेपर ए 35 क्लासेस लिख लो वाला चीज़ ताकि पता रहे कितना पढ़ना, ऑटो भाड़ा भी कैलकुलेट कर लेना या कोई ऊबर से आता है वो भी कर लेना कैलकुलेट, पेपर ए 35 क्लासेस, पेपर बी 40 क्लासेस, सबको पता है पेपर ए क्या है, रिटन पेपर है 3 hours 15 minutes 100 मार्क्स, पेपर बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर है, कौन सा वर्जन चाहिए तुम लोग को 2007 या लेटेस्ट वर्जन जो भी हो 2007 है उसके बाद वाला वर्जन चाहिए, पेपर भी अगेन 100 मार्क्स का है 1 hour 45 minutes का एग्जामिनेशन है, होम बेस्ड एग्जामिनेशन है ifoa से II से सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 40 क्लासेस है, इसमें मैं डाउट क्लासेस क्वेश्चन सॉल्व वाला इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 75 क्लास हुआ है, 15 क्लास और लिखो क्वेश्चन सॉल्विंग पेपर ए, क्वेश्चन सॉल्विंग 15 क्लासेस पेपर ए, पेपर
पेपर भी 10 क्लासेस कितना हो गया टोटल 100 डाउट क्लासेस अकल अनुसार लिख लो उसमें कुछ है नहीं 20 लिखना 20 लिख लो लग जाएगा उतना मेरे को लग रहा है आराम से पढ़ोगे सब तो नहीं पढ़ोगे तो कम हो जाएगा 20 लिख के रख लो डाउट क्लासेस अगेन 120 मैं बोल रहा हूँ हो सकता है क्लासेस की जगह 100 इससे ज़्यादा एस्टिमेट है एक्सेल का 40 तुम लोग का होने वाला अनलेस स्पीड अच्छा हो पेपर ए में 35 बोल रहा हूँ 30 से लेके 37 क्लासेस हो सकता है क्वेश्चन सॉल्विंग 15 अब ये कम भी हो सकता है तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो मेरे को कम क्लास कराने होंगे तुम लोग ढीट रहोगे जैसे लास्ट टर्म में थे तो सारा मेरे को कराना पड़ेगा फिर इतना क्लास लगने वाला है हाँ तुमको तो करेंगे वो लेट की है तुम जल्दी ज्वाइन करो तुम कुछ नहीं पढ़ी थी डेढ़ में ना वो हम बोलते रहेंगे हाँ तो वो भी है वो ठीक है ना तुम डूब रहे हो वो भी डूबेगा बाद में ठीक है वो अलग डूबेगा वो जब मुंडी हिलाएगा तब हम बोलेंगे अभी डूबने से कुछ नहीं हुआ तो चालू हुआ है क्लासेस बहुत ज़्यादा है इसका अगेन मैं बता रहा हूँ पेपर ईजी है बट तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कैलकुलेशन कर करके CT1 वाला पार्ट करेंगे कैलकुलेशन में उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए हो रहा है तो माइंड को कर लो कि दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 वाले टॉपिक्स में और दिक्कत होगा एक क्वेश्चन से 15 मार्क्स है मे बी तुम लोग को अभी फर्स्ट टाइम करने में 1 घंटा लगे वो भी अगर एक बार में करेक्टली सब कैलकुलेट हो रहा है एग्जाम में उसको कितने देर में कर रहा है 15 मार्क्स के क्वेश्चन को एक कितने घंटे का पेपर है 195 मिनट्स है 100 मार्क है 2 मिनट भी अपर एस्टिमेट लेके रखो 15 मार्क है 25 से 30 मिनट में हो जाना चाहिए तुम लोग का एक बार में करेक्ट होता है 1 घंटा लगेगा कुछ मिस्टेक हो रहा है एक ही क्वेश्चन में 15 सब पार्ट्स कैलकुलेशन रहेगा एक गलत फिगर लोगे सारा चीज़ क्या आने वाला है गलत आने वाला है उसको वापस से करना है इसको डाल देंगे हो जाएगा ये चीज़ माथे से निकाल दो क्योंकि एग्जाम में नहीं होगा जो मार्क्स मिलेगा तुम लोग को CT5 पोर्शन में सिर्फ कैलकुलेशन पर ही मिलने वाला है तुम लोग के भले ही सारे आंसर्स गलत हो 10 मार्क में तुम लोग को फिर भी 6 to 7 मार्क्स विल गेट प्रोवाइडेड सारा स्टेप्स है भले ही सारे आंसर्स रॉन्ग हो बट जितना भी स्टेप्स है तुमको दिखाना पड़ेगा IAI में स्टेप मार्क्स नहीं मिलता उतने अच्छे से IFOA में सारा स्टेप मार्क्स तुम लोग को मिलने वाला है टेबल्स नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स खुद भले ही मत आना टेबल्स लेके आना उसका कोई मतलब नहीं हुआ जो भी है टेबल्स और कैलकुलेटर लेके आना टेबल्स फिर भी मे भी शुरू के क्लासेस में उतना नहीं लगे CT5 स्टार्ट करेंगे तो वो टेबल्स के बिना अपने कर ही नहीं सकते हैं CT1 फिर भी कैलकुलेटर से चल जाता है CT5 में कैलकुलेटर और टेबल्स चाहिए दूसरा चीज FX82ES+ कितने का आता है कैलकुलेटर 600 का आता है 600 रुपये लेके सब लोग एक और खरीद लेना हर जन एग्जाम में 2 कैलकुलेटर लेके जाएगा कैलकुलेटर अगर नहीं चलता एग्जाम में तुम लोग पेपर पास नहीं कर पाओगे एंड कोई ना कोई कारण से टूट सकता है हो सकता है सबके सब 2 लेके जाना 600 रुपया महंगा लगे एग्जाम देने का 15,000 लगता है इंश्योरेंस करा रहे सस्ता है सब कैलकुलेटर ले लेना अभी लेना है 2 महीने बाद लेना है लेके रखना एग्जाम में सब 2 कैलकुलेटर कैरी करके रखना क्लियर आ रहा चीज और कैलकुलेशन पे आ रहे हैं वापस से करोगे मे बी 1.5 घंटा 2 घंटा लगे मैं खुद पढ़ता हूँ बहुत इरिटेशन होता है क्लास में भी तुम लोग बोलोगे इसका वेरिएंस निकालो या कुछ कैलकुलेट करो मैं बोलूँगा भाई टेबल्स में ये वैल्यूज है खुद कैलकुलेट कर लेना क्योंकि मेरे को खुद को इरिटेशन लगता है और बहुत बोलना होता है तुम लोग सुनने का आदत डाल लो CT1 में तुम कम बोल रहे हैं CT5 जब चालू करेंगे सिर्फ हम ही बोलते रहेंगे तुम लोग को चुपचाप सुनते रहना 50 डेरिवेशन है 2 चैप्टर में 50 डेरिवेशन ये सिर्फ 2 चैप्टर में है जितना CT1 में डेरिवेशंस नहीं है चैप्टर 15 से लेके 18 उतना डेरिवेशंस है करना है अच्छा चीज़ है मैं तुम लोग को लिखा हुआ दे दूंगा दैट इज़ ओनली गुड थिंग बट खुद को प्रैक्टिस करना मजदूर के तरह पढ़ना है पेपर इजी है क्लियर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है बुद्धि नहीं लगाना एग्जाम ऑनेस्टली नहीं लगाना होता प्रैक्टिस करना है बट वही है कुछ तुम लोग प्रैक्टिस करोगे नहीं होगा बोलेंगे ठीक है एग्जाम में करेंगे हो जाएगा मैं मैजिक में बिलीव करता नहीं हूँ तुम लोग कोई करते हो तो 15,000 जब उड़ेगा तब मैजिक समझ में आएगा प्रैक्टिस करके जाना है कोई चीज़ जब तक फाइनल आंसर नहीं आए करते रहो भले तुम लोग का 3 घंटा जा रहा है 1 दिन में 2 मार्क क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर जब तक कॉपी में नहीं आएगा तब तक करते रहना और कैलकुलेटर अभी ट्राई करो जितना मेंटल कर सकते हो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हुआ अब मैं बोलूँगा E2 पावर 4 कितना होता है मत ट्राई करना मेंटली कैलकुलेटर यूज़ करना
एग्जाम में भले 28 माइनस 13 हो, कैलकुलेटर यूज कर लेना ना। मेरे को तुम पे भरोसा है ना तुम लोग को तुम पे भरोसा होना चाहिए, मेरे को अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है। एग्जाम में मत करना, कैलकुलेटर है, 2+2 अलग चीज है, बाकी कोई भी कैलकुलेशन हो मल्टीप्लीकेशन हो यूज कर लेना कैलकुलेटर। और क्लास में मैं बोल नहीं रहा हूँ, कैलकुलेटर टेबल्स लेके आना। स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्ञान दे दिया, अब दूसरा ज्ञान लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सो वी टेक एन एग्जाम्पल, थ्रू दिस एग्जाम्पल वील अंडरस्टैंड थ्री टर्म्स। फर्स्ट, देर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल। सेकेंड, देर इज समथिंग कॉल्ड इंटरेस्ट। थर्ड, देर इज समथिंग कॉल्ड अक्यूमुलेटेड वैल्यू। टाइम लाइन ये, से ये टाइम जीरो है, ये टाइम वन है। बाई डिफॉल्ट हम लोग कितने टाइम किस में मेजर कर रहे हैं, बाई डिफॉल्ट अभी ईयर्स में। टाइम लाइन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम लाइन बना लोगे क्वेश्चन बन जाएगा ऑलमोस्ट। बिना टाइम लाइन बनाने मत ट्राई करना, कॉपी में टाइम लाइन होना चाहिए। से टाइम जीरो पे मैंने तुम लोग से लोन लिया, कितने रुपीज का लोन लिया, से 100 रुपीज का मैंने लोन लिया। एंड आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि आफ्टर वन ईयर हाउ मच विल आई रिटर्न। तुम लोग 100 रुपये में तो मारोगे नहीं, बनिया बुद्धि सब में है, तुम लोग बोलोगे 200 दे दो। सपोजिटली 200 दे रहा हूँ, 100 रुपीज ये क्या हो गया। सपोज तुम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम लोग ने मुझे क्या दिया, पैसे दिए हैं, तो तुम बोरोवर हुए या लेंडर हुए। लेंडर जो पैसा दे रहा है, बोरोवर जो पैसा ले रहा है। अच्छा एक चीज और, इफ आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम समवन तो शुड आई हैव टू पे फॉर हिम और शुड ही पे फॉर मी। मैं तुम लोग से 100 रुपये ले रहा हूँ, एक साल बाद मेरे को कितना पे करना चाहिए, एटलीस्ट 100 से कम नहीं, नहीं दोगे। बाहर के कंट्री में देखेंगे, बैंक में पैसे रखोगे बैंक वाले तुमसे पैसे काटेंगे, और लोग ऐसा देते हैं। जापान हुआ, यूरोप हुआ, सपोज यू पुट से 1 करोड़ रुपीज इन अ बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एक साल बाद में भी तुमको कितना देंगे, 99 लाख देंगे। वहाँ पैसा रखने पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, वहाँ पैसा रखने के लिए क्या देना होता है, खुद को पैसे देने होते हैं। सो दिस इज नथिंग बट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। सब जगह ये हो गया, जापान में हो गया, यूरोपियन कंट्रीज में हो गया, US में भी कुछ कुछ बॉन्ड्स है शायद उन लोग नेगेटिव यील्ड में है। नेगेटिव यील्ड मतलब तुम बेसिकली किसी को पैसे दे रहे हो और वो तुमको क्या करने वाला है बाद में, कम पैसा देने वाला है। यहाँ पे तो क्या होता है, पैसे दे रहे तो भाई पैसे दे रहे, एक्स्ट्रा पैसे दो। बाहर पे क्या हो रहा है, यू आर पेइंग 100 रुपीज इन रिटर्न, वो बोल रहे हैं मे बी 10 साल बाद कितना देगा, 99 रुपीज 98 रुपीज देगा। तो ये भी चीज़ पॉसिबल होता है, हम लोग इसको डील करेंगे। अभी के लिए 100 रुपीज मैंने तुमसे लिया, तुम लोग क्या हो गए, लेंडर, मैं क्या हो गया, बोरोअर। इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, प्रिंसिपल। ये 200 एक साल बाद मैं तुम्हें रिटर्न कर रहा हूँ। तुम लोग अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, तुमने से 100 किसी को दिया या से इन्वेस्ट किया, एक साल बाद कितना मिल रहा है, 200। इसको क्या बोलेंगे, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। 200 इज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ विच अमाउंट, 100 विच इज पेड एट टाइम जीरो। इंटरेस्ट बता सकते हो कितना हुआ, परसेंट पे नहीं जाते, बार अमाउंट कितना दे रहे हैं। अक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस प्रिंसिपल इज नथिंग बट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे समझते हैं, इट इज द रिवॉर्ड दैट वन हैज टू पे जनरली फॉर यूजिंग समबडीज एल्स मनी। बाद में देखेंगे कि किसी और पैसा यूज करने पे क्या हो रहा है, तुमको रिवॉर्ड मिल रहा है। क्लियर वाला चीज, अभी के लिए फॉर द टाइमिंग एक बार अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसी को पैसे दे रहे हो, वो तुमको कुछ टाइम बाद क्या देगा, ज्यादा ही अमाउंट पे करने वाला है। टाइमलाइन बना लो, ये तुम लोग अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, साइन में कुछ होना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। साइन प्लस माइनस, आज क्या कर रहे हो तुम लोग, 100 रुपीज दे रहे हो तो क्या होना चाहिए। जो लोग अकाउंट्स किए हैं, अगर तुमने किसी को लोन दिया है, वो तुम्हारे एसेट्स में आता है, लाइबिलिटीज में आता है, एसेट्स में आता है, राइट। हम लोग को एसेट लाइबिलिटी नहीं देखते, हम लोग को क्या देखना है, कैश फ्लो। पैसा दे रहे हो तो क्या हो गया, डेबिट हुआ, आ रहा है तो क्या हो, क्रेडिट हुआ। जो आ रहा है प्लस है, जो जा रहा है माइनस है। ये तुम लोग के लिए जा रहे हैं माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। सो लिखो सबसे पहले इंटरेस्ट,
लिखना, इंटरेस्ट मे बी रिगार्डेड एज अ रिवॉर्ड, इंटरेस्ट मे बी रिगार्डेड एज अ रिवॉर्ड पेड बाय वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन within brackets the borrower brackets close for the use of an asset for the use of an asset referred to as capital capital comma belonging to another person or organization within brackets the lender next principal when the capital and interest are expressed in monetary terms capital is also referred to as principal तो कैपिटल बोलो प्रिंसिपल बोलो हम लोग दोनों इंटरचेंजेबली यूज करेंगे नेक्स्ट अक्यूमुलेटेड वैल्यू अक्यूमुलेट का मीनिंग क्या होता है इकट्ठा होना यू आर इन्वेस्टिंग मनी इकट्ठा होके क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है लॉजिकल अक्यूमुलेटेड वैल्यू एक चीज माइंड में ध्यान रख लो अभी से whenever you want the value of some money in future time I paid 100 rupees today future mein iska value kya ho gaya 200 whenever you go to future to calculate amount of money matlab wo kya ho raha hai accumulated value baad mein ek aur term seekhenge kya present value jab future ka cheez hum log past mein ya present mein leke aayenge to usko kya bolenge present value for example main bolta hu 200 rupees mere ko tumhe dene hain ek saal baad राइट आज के दिन उसका क्या वैल्यू हो रहा है मैं ऐसे बोलता हूँ ना अगर तुम बोल रहे हो कि एक साल बाद मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा आज मेरे को कितना मिल रहा है 100 मिल रहा है ये 100 क्या हो गया इस 200 का प्रेजेंट वैल्यू ये 200 क्या हो गया इस 100 का अक्यूमुलेटेड वैल्यू जब भी फ्यूचर में जाओगे फ्यूचर टाइम पर कुछ निकाल रहे हो तो वो क्या होएगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू जब भी पास्ट में जाओगे तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू अब थोड़ा और अगर कॉम्प्लेक्स करते हैं हम लोग से टाइम वन पे है अभी टाइम टू पे एक कैश फ्लो हो रहा है एक्स अमाउंट टाइम जीरो पे एक कैश फ्लो हो रहा है वाई अमाउंट मेरे को किस टाइम पे वैल्यू निकालना है टाइम वन पे टू वाले को क्या करेंगे वन में लेके आएंगे इसका क्या लेंगे प्रेजेंट वैल्यू इसका वैल्यू कहाँ लेके जाएंगे वन पे इसका क्या निकालेंगे अक्यूमुलेटेड वैल्यू तो जब भी तुम कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे माइंड में कर लो इट शुड बी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोल रहा हूँ तुम्हें दो साल बाद 200 मिल रहे हैं आज 100 रुपए जा रहे हैं नेट कितना हुआ 200 माइनस 100 नहीं है इफ आई से यू आर गेटिंग 200 रुपीज आफ्टर 2 years एंड यू नीड टू गिव 100 रुपीज टूडे नेट कितना हो रहा है डिफरेंस तुम लोग बोलोगे 100 नहीं है क्यों वो 200 रुपीज इस टाइम का है वो 100 रुपीज इस टाइम का है तुमको क्या करना होगा दोनों को सेम टाइम में लेके आना होगा या तो टू वाले को जीरो पे लेके आएंगे या तो जीरो को टू पे लेके जाएंगे लाइफ और कॉम्प्लेक्स करना है टू को वन में लाएंगे जीरो को वन में लेके जाएंगे क्लियर है वाला चीज पूरा सो इन दिस एग्जाम्पल 100 इज माई प्रिंसिपल 200 इज माई अक्यूमुलेटेड वैल्यू डिफरेंस 200 माइनस 100 ये क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया क्लियर है वाला चीज पूरा नेक्स्ट दो हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट हाँ अच्छा हम बताए नहीं क्या अक्यूमुलेटेड वैल्यू लिखो द टोटल वैल्यू रिसीव्ड बाय द लेंडर द टोटल वैल्यू या द टोटल अमाउंट कर लो द टोटल अमाउंट
received by the lender after a period of time, after a period of time, is called the accumulated value. तीन टर्म सीखे अभी तक, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अक्यूमुलेटेड वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू पे आएंगे अपने और डिटेल में थोड़ी देर में. क्लियर है वाला चीज पूरा? नेक्स्ट हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं बेसिक फॉर्म में? सिंपल और क्या डिफरेंस होता है? प्लीज मत बोलना सिंपल सिंपल होता है, कंपाउंड कंपाउंड होता है. कंपाउंड में हर ईयर ऐड होते रहता है. ठीक है, बेटर कौन सा होता है? कंपाउंड. किसी को वॉरन, हाँ ठीक है उसको हटाओ. एट वंडर ऑफ वर्ल्ड पता है क्या होता है? कितने वंडर्स होते हैं वर्ल्ड में? एट वंडर क्या होता है? कंपाउंडिंग. ये स्टोरी सुना है बचपन में? एक ब्लाइंड मैन जाता है, कोई साधु जाता है किंग के पास. पहले दिन बोलता है एक राइस दो, दूसरे दिन दो. बोलता हर दिन क्या करते रहो? डबल करते रहो. तीसरे दिन कितना हुआ? चौथे दिन फिर 512, फिर 1024, फिर 4096, फिर 8192, फिर 16,384, फिर 32,000, कितना था 18,000, 1,248, 496, 8192, 16,392, 32,000, 780, 84. उसके बाद बढ़ता रहेगा. 30 दिन बाद कितना हो जाएगा? 2 to the power 30 हो जाएगा, जो कि क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर होता है. एक और चीज़ है, SIP सुना है? टीवी देखते तो हो गए. SIP क्या होता है? SIP जूस सिप करना नहीं, SIP क्या होता है पता है किसी को? ठीक है देख लेना. हम एक दो महीने में कुछ ना कुछ ग्राफ डाल देंगे. हर महीने 1,000 रुपये डालो, इन्वेस्ट करो, 20 साल बाद करोड़पति बन जाओगे. ये क्या सच है या झूठ है? हाँ क्या हो सकता है? हर महीने 1,000 रुपये डालते रहो, 20 साल बाद 1 करोड़ होने का अच्छा खासा चांसेस है. तुम लोग बोलोगे 1,000 रुपये हर महीना डाल रहे हैं, साल में कितना डालेंगे? 20 साल में कितना डालेंगे? 2,40,000, उसका 1 करोड़. एक्चुअली वाले तो है नहीं कि ऐसे मिल जाएगा 1 करोड़, उनको भी नहीं मिलता है शुरू में. होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम लोग देखेंगे. बेसिकली तुम इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विल रिजल्ट इन टू अ लार्ज कॉर्पस. कॉर्पस यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है. तुम लोग आज से डालोगे जो हम बोलते हैं डालना शुरू करो, 500 रुपये सब बचा सकते हो. चुपचाप जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, 20 साल बाद पढ़ाई लिख के कुछ करो ना करो, वो 500 रुपये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? 50 लाख रुपये तो आराम से हो जाएंगे तुम्हारे. वो मजाक नहीं कर रहा, होता है, रिटर्न मिलता है उतना बिना कुछ किए. बस वो 500 रुपये डालना होता है. हुक्का मत लेना, 500 रुपये बच जाएगा. ठीक है ठीक है, हम भव्य के स्टेटस में देख लेते तुमको लेते हुए, कोई बात नहीं. करना पड़ता है भाई, कौन क्या कर रहा है ट्रैक रहना चाहिए ना. हाँ हाँ दिख रहा है शराफत, एकदम बहुत शराफत दिख रहा है. ठीक है अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं अब. सिंपल इंटरेस्ट एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ. तुमने मैंने तुमसे सपोज 100 रुपीज़ लिया एंड आई प्रोमिस यू कि मैं तुम्हें 10% इंटरेस्ट पे करूँगा हर साल के एंड में, और 3 साल बाद मैं पूरे 100 रुपये क्या करूँगा तुम्हें? रिटर्न कर दूँगा. आई एम टेकिंग 100 रुपीज़ फ्रॉम यू टूडे विद द प्रोमिस कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर आई विल पे यू एन इंटरेस्ट ऑफ 10%. After 3 years, how much will I pay you? Entire amount of money. जो 100 रुपीज़ है पूरा वापस से payback कर दे रहा हूँ. Timeline बनाते हैं. क्या क्या टाइम होएगा बताओ?
एक चीज और, चैप्टर 14 तक टाइमलाइन कैसे बनेगा, 01 से लेके से एन तक जब CT5 का पोर्शन करेंगे टाइमलाइन कैसा बनेगा, x, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस एन। x क्या डिनोट करता है, पर्सन का एज। किसी का आज एज अगर 40 है, 20 साल बाद उसके एज क्या होएगा, 60 होएगा। तो अभी तो टाइमलाइन ऐसे ही बनाना है 0, 1, 2 से लेके n, बाद में कैसा बनेगा, x, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस एन। जीरो पे तुम लोग सपोज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या हो रहा है, 100 रुपीज जा रहा है, एक हर साल के एंड में मैं क्या दे रहा हूँ, 10% इंटरेस्ट। यहाँ पे कितना मिलेगा तुमको, 100 का 10%। टाइम टू पे अगेन 100 का ही 10% मिलेगा, कितना हो गया 10। टाइम थ्री पे कितना, 110। कोई और आंसर, लास्ट है तो कितना मिला था, लास्ट में 100 मिल रहा था। इस ईयर का भी तो इंटरेस्ट हो गया, इस साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 10, और 100 रुपीज पूरा रिटर्न करना है तो कितना हो गया, 110 हो गया। ये 110 में दो चीज है, एक कंपोनेंट है कितना 10, दूसरा कंपोनेंट कितना 100। 10 क्या है, इंटरेस्ट कंपोनेंट, 100 क्या है, प्रिंसिपल है, इसको कैपिटल रिपेड बोलते हैं, जितना लिया उतना क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है एक तरीके से, 10 रुपीज। टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 30। तो क्या हो गया, तुम लोग टोटल इंटरेस्ट कितना पे किए, 30 पे किए। अब मैं थोड़ा चेंज करके बोलता हूँ, हर साल नहीं पे करना है, आफ्टर 3 ईयर्स सब कुछ पे करना है। मतलब टुडे यू पे 100, आफ्टर 3 ईयर्स तुम्हें कितना पे करना है, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तुमको सब कुछ पे करना है। तो 3 साल का कितना इंटरेस्ट होगा, 30 होगा, और 100 रुपीज कैपिटल या प्रिंसिपल हो गया, तो 3 साल बाद कितना रिटर्न करोगे, 130। क्या किए, सिंपली 10 रुपीज ऐड किए, लिखो सिंपल इंटरेस्ट में, ये बना लेना टाइमलाइन पहले लिख लो। द इसेंशियल फीचर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज दैट, द इसेंशियल फीचर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज दैट इंटरेस्ट वंस क्रेडिटेड टू एन अकाउंट, इंटरेस्ट वंस क्रेडिटेड टू एन अकाउंट डज नॉट इट्सेल्फ अर्न, डज नॉट इट्सेल्फ अर्न फर्दर इंटरेस्ट। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, सपोज एन अमाउंट सी, कैपिटल लेटर्स में, सपोज एन अमाउंट सी इज डिपॉजिटेड इन एन अकाउंट, इज डिपॉजिटेड इन एन अकाउंट दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ i% पर एनम, स्मॉल लेटर्स में i% पर एनम, फुल स्टॉप। देन द अक्यूमुलेटेड वैल्यू, then the accumulated value after n years, then the accumulated value after n years is c into 1 plus ni, एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ 100 पे किया, एक साल बाद कितना हो गया अक्यूमुलेटेड वैल्यू, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट और 100 रुपीज़ कैपिटल, कितना हो गया 110। दो साल बाद 10 इसका और 100 कितना हो गया 120। 3 साल बाद 130। सी हो गया 100, 1 प्लस एन आई। ध्यान रखना एफ आई से इंटरेस्ट इज 10%, मतलब इंटरेस्ट का वैल्यू क्या हुआ 0.1, 5% क्या हो गया 0.05 हो गया। सो व्हेन आई एम सेइंग इंटरेस्ट इज 20%, मतलब 0.2, इंटरेस्ट 100% 1,
लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है इंटरेस्ट का? पहले तुम लोग बोलते नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव है. मैं बोलता हूँ नेगेटिव हो सकता है. कितना हो सकता है? एक चलो एग्जांपल लेते हैं. प्राइस, व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस? जीरो. सपोज तुमने एक पर्टिकुलर चीज में 4 रुपीज इन्वेस्ट किया, वर्स्ट केस में तुमको कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा, राइट? अज्यूम कर रहे हो और पैसा नहीं, 4 रुपीज डाले, वर्स्ट केस क्या हुआ? जीरो मिला. कितना गया पैसा? 4. परसेंटेज में पूरा 100% पैसा गया. सो व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट? -100%, -1. व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट? इनफाइनाइट. कुछ भी हो सकता है. 1 रुपये तुम इन्वेस्ट करोगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 1000 हो सकता है, बट 1 रुपये का सबसे कम कितना होगा? 0 होगा. सो आई जो होता है ये बस ऐसे ही है. इसका रेंज क्यों होता है? -1 से लेके इनफाइनाइट. -1 मतलब कितना हो गया? -100% हो गया. दैट इज द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई. क्यों? तुम कुछ अमाउंट अगर आज दे रहे हो, वर्स्ट केस में क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. क्लियर वाला चीज, ये फॉर्मूला क्लियर है? सी अमाउंट यहाँ पे डाले, एन ईयर्स बाद कितना आएगा? एन ईयर्स का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना हो गया? सी इंटू एन आई. जैसे यहाँ पे 30 कैसे आ रहा है? 3 × 0.1, 0.3 × 100 कितना हो गया? 30. और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? जो 100 रुपीज था यहाँ पे मेरा कितना है? सी है. सी इंटू एन आई प्लस सी. ऑल्टरनेटिवली क्या लिख सकते हैं? सी इंटू 1 प्लस एन आई. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इन द सेंस, अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें आज के दिन मैं 1000 रुपीज दे रहा हूँ, 10 साल बाद क्या अक्यूमुलेटेड वैल्यू होगा? क्या होगा आंसर? 1000 रुपीज मैं आज दे रहा हूँ, 10 ईयर्स बाद क्या अक्यूमुलेटेड वैल्यू होगा? डिपेंड करते हैं इंटरेस्ट से. इंटरेस्ट रेट आई है, कितना हो गया? सी इंटू 1 प्लस टेन आई. इंटरेस्ट रेट अगर 10% है तो कितना हो गया? 10 × 10% कितना हो गया? 1 हो गया. 1 + 1 = 2. कितना रिटर्न किए? 200. क्लियर है फॉर्मूला? एकदम वाला चीज क्यों आ रहा है? इफ यू आर इन्वेस्टिंग और गिविंग सी टूडे, द अक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स इज सी इंटू 1 + ni. और ये आई कौन सा रेट है? सिंपल इंटरेस्ट रेट है. क्लियर वाला चीज पूरा कर ले वाला कॉपी, टाइमलाइन बनाओ ले वाला 100, 130 देके. क्लियर वाला चीज पूरा. लिखो एक क्वेश्चन और. An investor puts PUTS 5000. अच्छा एक चीज और, 5000 कैसे लिखते हैं? सिली क्वेश्चन. हाँ एग्जाम में कॉमा मत लगाना. 5000 ठीक है, मैं बोलता हूँ 5 लाख, तुम लोग क्या करोगे? पेपर कौन करेक्ट कर रहा है? अंग्रेज. दे वर्क इन मिलियंस, उन लोग उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे. तो कॉमा डालो मत, रीड करने में अपने को इजी होता है. बेस्ट वे है स्पेस दे दो ताकि तुम रीड करो, तुमको खुद को समझ में आ जाए कितना है. इतना स्पेस भले ही मत दो, थोड़ा स्पेस दो ताकि तुम खुद ऑटोमेटिकली रीड कर सको, क्योंकि इसको रीड करने में फिर भी थोड़ा माइंड को टाइम लगेगा, इसको रीड करने में टाइम नहीं लगेगा. कॉमा एग्जाम में मत लगाना और रुपी मत यूज़ करना. उन लोग सब जगह क्या यूज़ करते हैं? हर एग्जाम में पाउंड ही रहने वाला है, रुपी का सिंबल मत बनाना. दे दो उन लोग अलग बात है, बाकी हर जगह उन लोग क्या रहेगा? पाउंड रहेगा. और कुछ नहीं हुआ है तो क्या बोलेंगे? बस यूनिट्स. 1000 units हैव बीन इन्वेस्टेड. यहाँ पे सब चीज पाउंड है, तुम लोग 1000 ले लो, 1000 units क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है. कहाँ तक बोले? एन इन्वेस्टर पुट्स 5000 इन अ सेविंग्स अकाउंट दैट पेज 10% सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर.
10% simple interest at the end of each year. Full stop. Compare how much the investor would have after 6 years if the money was first part invested for 6 years. Second part, invested for 3 years, comma, then immediately reinvested for a further 3 years. Karo try. जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है एक्सप्रेशन बना के लिख दो अगर कैलकुलेटर नहीं है तो कितना 8,000 8,000 425 450 अभी मेंटल कैलकुलेशन करना है कर लेना स्ट्रांग होएगा एग्जाम में मत करना बस टाइमलाइन सब बना लेना भले ही आंसर किसी का आ गया और टाइमलाइन बना के दिखाना कैसे क्या वर्क हो रहा है हाँ टाइमलाइन बनाओ बेस्ट है वो बना लो बेस्ट है वो पहले टाइमलाइन हाँ एक बार बनाओ ना बना लो एक बार ठीक है डे वन से आदत सही कर लो कुछ और लगे पीछे होगा तो अकॉर्डिंगली निकल गया सबका आंसर फर्स्ट वाला कितना आ रहा है सबका 8,000 आ रहा है सेकंड वाला 8,450 आ रहा है नहीं आ रहा है फर्स्ट वाला आ रहा है सबका 8,000 फर्स्ट पार्ट कितने यहाँ पे पे किया कब निकालना है टाइम 6 पे फॉर्मूला क्या है सिंपली 5,000 1 प्लस 6 इंटू 0.1 10% इंटरेस्ट है कितना हो गया ये 8,000 सेकेंड पार्ट में डिफरेंट क्या हो रहा है 3 इयर्स बाद एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं जिसको अपने क्या कर रहे हैं री इन्वेस्ट कर रहे हैं ये फर्स्ट टाइम लाइन हो गया सेकेंड टाइम लाइन एग्जाम में नहीं करोगे ठीक है अभी बना रहे क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स होगा तो टाइमलाइन करना होगा हो सकता है 20 कैश फ्लोज अलग अलग टाइम पे
तो अपने बना के रखेंगे टाइमलाइन। फर्स्ट हिंट मिला कैसे, टाइमलाइन क्या होगा, आज इन्वेस्ट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट जीरो हो गया, सिक्स ईयर्स बाद निकालना है, और झमेला इन लोग क्या कर रहे हैं, टाइम थ्री पे कर रहे हैं। यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, 5000। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, अक्यूमुलेटेड वैल्यू हियर वुड बी कितना हो गया, 6500। इमीडिएटली वी री इन्वेस्ट दिस अमाउंट, तब यहाँ पे कितना हो गया, 6500 इंटू 1 प्लस 3 आए, जो कि कितना आ रहा है, 8450। सो अब 6000 पे 10% नहीं लग रहा एक्चुअली, अब किस पे लग रहा है, 6500 पे। क्लियर वाला चीज पूरा, थर्ड पार्ट करो इस क्वेश्चन का, दो पार्ट दिया, थर्ड पार्ट लिखो, इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, कॉमा इमीडिएटली री इन्वेस्टेड फॉर अ फर्दर 2 ईयर्स, इमीडिएटली री इन्वेस्टेड फॉर अ फर्दर 2 ईयर्स, एंड अगेन द सेम आफ्टर 2 ईयर्स। क्वेश्चन क्लियर है, क्या हो रहा है, 2 साल बाद क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वापस से क्या कर रहे हैं, 4 साल बाद री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैल्यू कब निकालना है, टाइम 6 पे, 8640 करो ट्राई सब। दिक्कत हो अभी टाइमलाइन बना लो, दिख जाएगा वहां से। आ रहा है सबका, कितना आ रहा है सबका, क्यों आएगा, पहले 5000 है, 2 ईयर्स बाद कितना आएगा, 6000, फिर 6000 का 2 ईयर्स बाद 7200, 7200 2 ईयर्स बाद 8640। क्लियर है वाला चीज, पार्ट 4, वी कीप री इन्वेस्टिंग आफ्टर एवरी ईयर, वी कीप इन्वेस्टिंग आफ्टर एवरी ईयर। ये नहीं होगा मेंटली, हाँ नहीं, 6 ईयर्स, सब 6 के बाद निकालना, सब 6 के बाद निकालना। हम लोग को सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आया था, उसको यूज करके आंसर निकालना अभी। राउंड ऑफ करने पे 8858, 8858 आ रहा है सबका। कैसे किया, कंपाउंड नहीं आता अभी तक, कंपाउंड नहीं आता, नहीं मतलब टाइम 2 के बाद 6050, फिर अगेन इंटू 1.1, 6 ईयर्स के बाद अगर फॉर्मूला ध्यान से देखोगे उसको क्या लिख सकते हैं, 5000 इंटू 1.1 टू द पावर 6,
तो क्यों रहे सबसे ज्यादा मनी व्हेन आर वी हैविंग अंडर विच केस फोर्थ केस में ठीक है वाला यहां से हम लोग कंसेप्ट देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का दो हेडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट द एसेंशियल फीचर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट इंटरेस्ट इटसेल्फ अर्न्स इंटरेस्ट लाइफ का बेस्ट चीज होता है दैट इंटरेस्ट इटसेल्फ अर्न्स इंटरेस्ट फुल स्टॉप नेक्स्ट लाइन इटसेल्फ अर्न्स इंटरेस्ट सपोज एन अमाउंट सी इन कैपिटल लेटर्स Suppose an amount C is deposited in account that pays compound interest at the rate of i percent per annum. Full stop. Then after n years, the accumulated value will be c whole into 1 plus i to the power n. फर्स्ट जब केस ले रहे थे 5000 है कितना और है 8000 फर्स्ट ईयर बाद कितना इंटरेस्ट हुआ 500 सेकेंड ईयर बाद वापस से 500 ये 500 किसका 10% था 5000 का जो फर्स्ट ईयर में और 500 मिला उस पर तो क्या हुआ इंटरेस्ट नहीं लगा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यों आता है जो भी पास्ट इंटरेस्ट है वो इटसेल्फ क्या करने वाला है इंटरेस्ट अर्न करने वाला है मैथमेटिकली देख लो दिख जाएगा अगर कोई फॉर्मूला लगा के नहीं कैलकुलेट किया लास्ट टाइम तो सबसे पहले उसने ये किया 5000 इंटू 1.1 कितना आ रहा है 5500 फिर क्या किया 5500 इंटू 1.1 can we rewrite this as 5000 into 1.1 तो क्यों हो गया 5000 into 1.1 square हो गया 3 साल बाद 1.1 cube मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ये 500 interest है वो भी क्या कर रहा है interest on कर रहा है clear वाला चीज़ पूरा क्यों हो रहा है if you all will see simple interest में accumulated value कैसे बढ़ता है time के साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है अक्यूमलेटेड वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है अक्यूमलेटेड वैल्यू एक साल के बाद 5500 फिर 6000 फिर 6500 कैसा इंक्रीज है ये लीनियर इंक्रीज हो गया फॉर एवरी वन ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है 500 यहाँ पे कैसा इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियल 1 plus i to the power क्या है n है n 1, 2, 3, 4 करोगे इंक्रीज क्या होता रहेगा और ज़्यादा होता रहेगा सिंपल केस ले लो फर्स्ट केस में कितना था दो साल के बाद 6000 होता और हम लोग जो किए पार्ट थ्री किए कितना हो रहा था 605 नहीं नहीं दो साल बाद तुम लोग अगर इन बिटवीन वर्किंग किए हो कितना आ रहा था 6050 आ रहा था 5000 इंटू 1.1 5500 इंटू नहीं सॉरी 6000 आ रहा है दो साल लास्ट केस में जो कर रहे हो कितना आ रहा था 6050 आ रहा था ना क्लियर है वाला चीज़ तो कैसे इंक्रीज हो रहा है टाइम भले एक एक से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं अक्यूमलेटेड वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट तो हो रहा है कैसा हो गया मेरा वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गया एज एन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट क्या होगा और ज़्यादा दिखेगा तो ग्राफ कोई अगर मेरा सेमिनार अटेंड किया तो ये ग्राफ देखा होगा एक्चुअरीज का पे शुरू में थोड़ा कम होएगा बाद में क्या होएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा वाई एक्सिस पे क्या है
पे है, एक्स एक्सिस पे क्या है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अज्यूमिंग पेपर क्लियर करते जा रहे हो। यहाँ पे ये जो टाइम है ये वन है, एक साल के पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अक्यूमुलेटेड वैल्यू होता है वो किससे कम होता है, सिंपल इंटरेस्ट से कम होता है, बट एक साल के बाद क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, यहाँ पे टाइम बोलो या फिर ड्यूरेशन बोलो, क्लियर वाला चीज़, ये वाला जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, दिस इज इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर वाला चीज़ बना लो एक रफ ग्राफ। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली लीनियर होएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। अब तुम लोग इसको ऐसा बनाओ या ऐसा बना दो चलेगा, वो ऐसा मत कर देना, वर्टिकल लाइन मत बना देना। हम लोग देखेंगे जब फॉर्मूला लगाएंगे एक साल के पहले का, हम लोग देखेंगे कम क्यों आ रहा, उसको देखेंगे हम लोग। बायनॉमियल एक्सपेंशन याद है, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो याद है, क्या होता है, कितना ए स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर को भी से ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इन शॉर्ट ए प्लस बी होल टू द पावर एन। सबसे पहला टर्म एन सी जीरो ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन माइनस एन, एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर एन माइनस ऑफ एन माइनस वन मतलब वन। नेक्स्ट टर्म एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, वन प्लस आई टू द पावर एन है, और दूसरी जगह क्या था मेरा, वन प्लस एन आई था। हम लोग देखेंगे जब एन वन से छोटा होता है, वन प्लस आई टू द पावर एन इज लेस देन क्या, वन प्लस आई, अगर मेरा एन क्या हो रहा है, वन से छोटा हो रहा है, देखेंगे हम लोग ये चीज़ बाद में। ग्राफ बना लो वाला। नाउ माई पॉइंट इज, तुम लोग का सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, बैंक सेज की आई पे यू 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तुम लोग के पास से 1 लाख रुपीज़ आया, तुम लोग बैंक में डाल दिए, सपोज तुमको वो पैसे चाहिए 5 साल बाद अपने हायर स्टडीज़ के लिए, तुम क्या करोगे, सीधा 5 साल बाद जाओगे बैंक, बैंक बोल रहा है तुम पैसे डालो आज 1 लाख रुपीज़, आफ्टर 5 ईयर्स आई गिव यू कितना अमाउंट ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कितना मनी होएगा 5 साल बाद, 1,30,000, 6% है 5 ईयर्स है, 1,30,000 हो गया। कोई अगर थोड़ा स्मार्टनेस दिखाएगा, एक साल बाद जाएगा पैसे निकालेगा, फिर बोलेगा अरे नहीं वापस डाल देता हूँ, एक साल बाद कितना हुआ, 1,06,000। जब वापस से वो री इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ, अब 6% उसको किस पे मिलेगा, 1,06,000 पे मिलेगा। तो भाई बैंक वाले जो रेट्स ऑफर करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंपाउंड होता है। उन लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम हर दिन बैंक में आओ वापस से पैसे निकाल के डालो, तुमको वो जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, सपोज तुम्हारे पास 1,000 रुपीज़ है, 1,000 तो बहुत कम है छोड़ो, 1 लाख ले लो, एक साल बाद बैंक ने से 6,000 इंटरेस्ट डाल दिया, अकाउंट में कितने पैसे हो गए, 1,06,000। एक साल के बाद वापस से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होने वाला है, 1,06,000 पे ही होगा। तो बैंक जो रेट दे रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऐड हो जा रहा है, उस पर भी क्या हो रहा है, तुम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है यहाँ पे चीज़, जो भी रेट्स होता है सिंपल इंटरेस्ट डजेंट मेक सेंस, क्यों, तुम क्या करोगे, हर साल जाओगे पैसे निकाल के वापस से रीइन्वेस्ट करोगे, अल्टीमेटली क्या हो गया, कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ गया। तो बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज मेंशनड, इफ आई हैव टोल्ड कि इंटरेस्ट रेट इतना है, वो कैसा इंटरेस्ट है, कंपाउंड है, सिंपल एक्सप्लिसिटली हर वक्त मेंशनड रहेगा। कंपाउंड इज क्या, मेरा डिफॉल्ट। सी ए जी आर सुना है कोई, सी ए जी आर नहीं सुना, ठीक पर देख के आना, गूगल करके आना नेक्स्ट डे, सी ए जी आर क्या होता है, क्लियर है वाला चीज़ पूरा, अभी क्या हो रहा है। नेक्स्ट दो हेडिंग, यह एक काम करो, एक क्वेश्चन कर लो, सेम डिटेल्स एज द लास्ट क्वेश्चन, सेम डिटेल्स एज द लास्ट क्वेश्चन, परफॉर्म पार्ट 1 एंड 2, परफॉर्म पार्ट 1 एंड 2, गिवन दैट
accountants 10% compound interest per annum. Account earns 10% compound interest per annum. Per annum में PA short form use कर सकते हो, compound interest का CI use मत करना. CI क्या होता है? तो जो लोग कर रहे हो ठीक है दूसरे में, हाँ नहीं इसमें है नहीं है, हम लोग को बाद में सिर्फ mean निकालना रहेगा, mean और variance. रैंडम वेरिएबल मीन वेरियंस और कुछ नहीं है, और एक क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन क्लियर है, सारा डिटेल सेम है, बस 10% सिंपल की जगह क्या हो रहा है 10% कंपाउंड हो रहा है. पार्ट्स 1 और 2 परफॉर्म करना है सिर्फ. Years बाद कितना आ रहा है, सॉरी फर्स्ट केस में कितना आ रहा है 885, सेकंड केस में तो कंपाउंड में क्यों आ रहा है, ये वाला दिक्कत होता ही नहीं है. ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, इंटरेस्ट अर्न कर रहा है. सो कोई तुम लोग को सेंस रहेगा नहीं कि तुम लोग बैंक में वापस जाओ. दिस मेक्स मोर सेंसेबल. सिंपल में क्यों आएगा, हर साल तुम लोग क्या करोगे, बैंक में जाओगे पैसा निकालोगे एंड यू अगेन री इन्वेस्टेड. क्लियर है वाला चीज पूरा. नेक्स्ट दो हेडिंग अक्यूमुलेशन फैक्टर्स. Accumulation factor. For T1 less than equal to T2, comma, we define कैपिटल ए टी वन कॉमा टी टू टू बी द अक्यूमुलेशन एट टाइम टी टू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ वन न्यूमेरिक में वन at time t1. Full stop. Next line. The number a t1 comma t2 is often called an accumulation factor. Comma, since the accumulation at time t2 is C into A T1 comma T2. Next line. Note देके लिख लिया, इसको underline कर लेना जो next line है. A N
is often used as an abbreviation. Is often used as an abbreviation for the accumulation factor. For the accumulation factor. A0, N. सो देखो हो क्या रहा है अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या है सिंस एट टाइम T1 कितना इन्वेस्ट कर रहा है 1 इन्वेस्ट कर रहा है यहां पे मेरा अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होएगा A T1, T2 होगा नंबर्स डाल के देखते हैं तो देखो सपोज मैंने यहाँ पे 1 इन्वेस्ट किया एंड सपोज यहाँ पे आई एम हैविंग 1.4 तो व्हाट कैन आई से A T1, T2 कितना हो रहा है 1.4 हो रहा है यहाँ पे जितना वैल्यू है डिवाइडेड बाई यहाँ पे जितना वैल्यू किया है एक और एग्जांपल लेते हैं अक्यूमुलेशन फैक्टर किस रेट से अक्यूमुलेट हो रहा है हम लोग मॉडिफाई करते हैं सपोज आई से इफ यू इन्वेस्ट 1 एट टाइम T1 यू गेट 1.4 एट टाइम T2 ठीक है नाउ इफ आई से इफ आई इन्वेस्ट 50 रुपीज और 50 यूनिट्स एट टाइम T1 T2 पे कितना मिलेगा 50 इंटू यूनिटरी मेथड लगा रहे एक का 1.4 हो रहा है 50 का कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.4 कितना हो गया 70 ठीक है अब मैं बोल रहा हूँ सपोज 2 रुपीज अगर इन्वेस्ट करते हैं आज मेरे को फ्यूचर टाइम पे 5.5 मिलेगा ठीक है अक्यूमुलेशन फैक्टर कितना हो गया 5.5/2 सो इफ आई इन्वेस्ट से 40 रुपीज टुडे कितना मिलेगा फ्यूचर में 40 इंटू ये चीज़ क्या है अक्यूमुलेशन फैक्टर तो अगर जब तुम 1 इन्वेस्ट करते हो ना तो जो अमाउंट है उसको ही क्या बोलते हैं अपने अक्यूमुलेटिंग फैक्टर क्यों डिनोमिनेटर में तो क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है 2 का 5.5 हो रहा है ये वैल्यू इन्वेस्ट की ये क्या है अक्यूमुलेटेड वैल्यू अक्यूमुलेशन फैक्टर कितना 5.5/2 इफ़ यू इन्वेस्ट 1 टुडे यहाँ पे जो अक्यूमुलेटेड वैल्यू होगा उसी को अपने क्या बोलते हैं अक्यूमुलेशन फैक्टर बोलते हैं तुम लोग पहला लाइन पढ़ो देखो क्या दिया हुआ अक्यूमुलेशन फैक्टर में क्या दिया द नंबर ए टी वन टी टू इज ऑल्सो कॉल्ड एन अक्यूमुलेशन फैक्टर या उसके पहले क्या दिया हुआ है वी डिफाइन ए टी वन कॉमा टी टू टू बी द अक्यूमुलेशन एट टाइम टी टू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 एट टाइम टी वन तुम टी वन पे 1 इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम टी टू पे जितना अमाउंट ऑफ मनी होगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं ए टी वन कॉमा टी टू बोल रहे हैं जब मेरा स्टार्टिंग टाइम 0 होता है ए 0, n को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं ए एन वॉट डज ए एन मीन इफ यू इन्वेस्ट 1 एट टाइम 0 हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी विल यू हैव व्हेन एट टाइम n इट मीन्स इफ यू इन्वेस्ट 1 एट टाइम 0 द अमाउंट ऑफ मनी विच विल हैव एट टाइम n इज नथिंग बट ए एन सो बाई डिफॉल्ट ए 0, n को क्या लिखते हैं ए एन लिखते हैं जैसे ए 2, 4 है इसको कुछ नहीं लिख सकते बट अगर ए 0, 2 है इसको क्या लिख सकते हैं ए 2 लिख सकते हैं क्लियर है वाला अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या हो रहा है एज द नेम सजेस्ट अक्यूमुलेशन फैक्टर जिस फैक्टर से क्या हो रहा है मनी तुम्हारा अक्यूमुलेट हो रहा है क्लियर है वाला चीज़ पूरा क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट में अगर अपने आज सी इन्वेस्ट कर रहे हैं अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या हो रहा था एन ईयर्स के बाद सिंपल इंटरेस्ट में सी इंटू 1+ NI इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट If you invest C here, यहाँ पे कितना accumulated value आ रहा था Accumulated value by current value. ये क्यों हो गया Accumulation factor. तो simple interest में accumulation factor क्यों होता है 1+ NI Compound interest में बता सकते हो क्या आएगा 1+ I^n Accumulated value क्यों आएगा C into 1+ I^n divided by C.
तो accumulation factor क्या हो गया compound interest में, 1 plus i to the power n, clear है वाला चीज पूरा, लिखो, the accumulation factor for simple interest is, the accumulation factor for simple interest is can I write an is nothing but 1 plus ni, and for compound interest 1 plus I to the power n. एक चीज बताओ, ये जनरल फॉर्मूला हुआ या फिर ए टी वन कॉमा टी टू जनरल हुआ? टी वन टी टू, क्योंकि ए एन में तो टी वन फिक्स ही कर दे रहे, क्या हो रहा है, जीरो जा रहा है, तो जनरल क्या है, ये है. ट्राई करो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होगा इसका. अभी तो ए एन कर रहे हैं ना एक्सप्रेस, ए टी वन कॉमा टी टू इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, टाइम पीरियड कितना है, T2 माइनस T1 उतना इंटरेस्ट लगेगा इनटू क्या, आई हो गया 1 प्लस T2 माइनस T1 इनटू आई. ये n कैसे आ रहा है, n माइनस 0 से आ रहा है भाई. सिंपल एक वैल्यूज पुट कर लो, a 2 कॉमा 4 कितने साल का इंटरेस्ट लगाना है, 2 साल का ना, 4 माइनस 2 इसमें भी कितने साल का है, 2 साल का है. और कंपाउंड में क्या होगा, 1 प्लस i टू द पावर T2 माइनस T1, क्लियर है वाला चीज पूरा, कर लो नोट ए टी वन कॉमा टी टू के लिए. एंड ऑलवेज नोट टी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन. ए फोर कॉमा टू डज नॉट मेक एनी सेंस, ए टू कॉमा फोर ही होएगा, ए फोर कॉमा टू का कोई सेंस नहीं होता. क्लियर है वाला चीज, लिखो क्वेश्चन. एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 इन एन अकाउंट अक्यूमुलेटेड टू टीओ 20, accumulated to TO मतलब 2500, accumulated to 2500 after 5 years. Part 1, state the accumulation factor A 0,5, state the accumulation factor A 0,5. Part 2, find the simple annual interest rate which would give the accumulation factor in part 1. Third part, find the annual compound interest rate which would give the accumulation factor in part 1. फर्स्ट पार्ट आया कितना,
नहीं हुआ टू पॉइंट फाइव थाउजेंड डाल रहे आज फाइव ईयर्स बाद कितना आ रहा है 2500 निकालना क्या अक्यूमुलेशन फैक्टर मतलब अक्यूमुलेटेड वैल्यू बाय करेंट वैल्यू क्लियर है वाला पार्ट टू क्या बोल रहा है फाइंड द सिंपल एनुअल इंटरेस्ट रेट विच वुड गिव द अक्यूमुलेशन फैक्टर इन पार्ट वन ये 2.5 आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट के केस में ए 0.5 कितना होता है 1 प्लस एन है एन की जगह क्या है 5 है 1 प्लस 5 है कितना हो गया 2.5 आई कैलकुलेट करेंगे तो 30% और 0.3 जनरली वी प्रेफर राइटिंग इन दिस फॉर्मेट 30% आएगा तुम्हारा आई 0.3 उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे 30% क्लियर है वाला चीज पार्ट टू थर्ड पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें क्या होता है अक्यूमुलेशन फैक्टर इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगने वाला है कैलकुलेटर अपने को लगेगा तो क्या आ जाएगा आई मेरा 2.5 टू द पावर 1/5 माइनस 1 20.1% शायद आएगा 20 बिल्कुल नहीं दो डेसिमल प्लेस तो लेना है वर्स्ट केस एट तो लेना है 20.1 को 20 मत करना 20.11 या 20.1 क्लियर है वाला चीज पूरा 20.11% 11 के बाद कितना है 112 है मतलब टिल टू डेसिमल प्लेसेस क्या हो रहा है 20.11% यहाँ से एक कंसेप्ट देख रहे हो इफ़ यू वॉन्ट योर मनी टू ग्रो बाय द सेम अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कम होगा तो भी चल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट उससे क्या होना चाहिए यहाँ पे देख लो मनी तो क्या हो रहा है 1000 का 2500 हो रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल रहा है 20% रफली सिंपल 30 क्यों कंपाउंड में क्या होता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन करता है सिंपल में वो चीज़ नहीं होता है तो इफ़ यू वॉन्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी योर सिंपल इंटरेस्ट शुड बी हायर देन क्या कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर वाला चीज पूरा नेक्स्ट दो हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी एम एन से छोटा ए 0, n इसको हाउ कैन आई विजुअलाइज 0 पे 1 डाल रहा है तो n पे कितना अमाउंट ऑफ मनी होगा मतलब क्या कर रहे हैं यहां से यहां जा रहे हैं राइट ए 0, n ये हो गया सपोज फ्रॉम 0 वी गो टिल m यहां से यहां जा रहे हैं यहां पे अगर 1 इन्वेस्ट किया यहां पे कितना वैल्यू होगा ठीक है यहाँ पे इतना वैल्यू है अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं यहाँ से यहाँ का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होएगा दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए भाई तुम एक साथ छलांग मार के यहाँ जाओ या फिर पहले 0 से m, m से n जाओ हो क्या रहा है अल्टीमेटली सेम चीज़ हो रहा है तभी क्या हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्लियर है वाला चीज़ पूरा ए 0, n ए 0, m ए m, n इसको अलग अलग वे में लोग लिखते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं ए t1, t2 ए
T1, M A M, T2 जहाँ पे M मतलब M कोई T1 और T2 के क्या है बीच का टाइम है. क्लियर है वाला चीज़ पूरा. ये लगाते कब है जनरली डेरिवेशंस में लगाते हैं, प्लस अगर क्वेश्चन में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो मे बी पार्ट पार्ट इन्फॉर्मेशन लगा के अपने पूरा अक्यूमुलेशन फैक्टर निकाल सकते हैं. कर लो कॉपी. आधा क्लास पर आते हम पहले आधा घंटा कब पढ़ा है. ठीक है एक क्वेश्चन के बाद वो कर लो सबके सब तुम क्लास खत्म कर देंगे सबके सॉल्व करना हम नहीं करेंगे तुम लोग को सॉल्व करना. हाँ वो नेक्स्ट डे क्लास वर्क हो जाता है फिर. कर लिया कॉपी. लिखो क्वेश्चन 4600 इज इन्वेस्टेड एट टाइम जीरो एंड द प्रोसीड्स एट टाइम 10 एंड द प्रोसीड्स एट टाइम 10 इज 8200. कैलकुलेट ए 7, 10 कैलकुलेट ए 7, 10 इफ ए 0, 9 ए 0, 9 इज इक्वल टू 1.8 ए 2, 4 इज इक्वल टू 1.1 ए 2, 7 इज इक्वल टू 1.32 ए 2, 7 इज इक्वल टू 1.32 ए 4, 9 इज इक्वल टू 1.45. हम थोड़े पहले से प्लान था तुम लोग के बोले का थोड़े ना वैसा बोले. दिक्कत हो तो टाइमलाइन बनाना सब चीज टाइमलाइन से मिलेगा. हिंट ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी लगने वाला है. तुम राउंड ऑफ की हो बहुत. कुछ राउंड ऑफ नहीं किया. सब एग्जैक्ट लेना तो फ्रैक्शंस में लेके वर्क कर लो ना. अभी तो कुछ राउंड ऑफ मत करना बीच में. फाइनल आंसर भले ही राउंड ऑफ करना बीच में कुछ राउंड ऑफ मत करना. तुम फ्रैक्शन लेके रखो. कैलकुलेटर में दिखा देगा HD बटन से फ्रैक्शन. बट मार्क्स तुमको मिलेगा नहीं पूरा. स्टेप्स तुम्हारा बहुत स्किप किया. 1.198 सिक्स कितना 66 मतलब 1.197. हाँ तो तुम कुछ की हो रहा हमने.
करो ना, लिख के स्टेप्स करो ना अभी. 1.197 थ्री डेसिमल प्लेसेस तक. ये इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही रहेगा. आठ आठ का क्लास चालू करें, आठ का आर्ट एंड क्राफ्ट, उसमें भी दिमाग लगता है. हाँ उसमें भी दिमाग. पागल खाने जा सकते हैं, पागल खाने. वहाँ प्रॉपर वहाँ पे सब एक से वर्कर ही आएंगे, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग एज के. तुम राउंड ऑफ क्यों गए बीच में, तब आ रहा है. ठीक है, हम करें क्या बोर्ड पे, ट्राई करोगे क्या? चाहिए हम लोग को फाइनली सबसे पहले क्वेश्चन देखिए चाहिए क्या. 7, 10 क्या क्या वैल्यूज़ है? 0, 9 है, 2, 4 है, 2, 7 है, 4, 9 है, कुछ और है? 0.10 भी तो है. 0 पे बोल रहे 4600 इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम 10 पे कितना आ रहा है? 8200 आ रहा है. इसको फ्रैक्शन की तरह लेके वर्क करना है. 41/23 राउंड ऑफ मत करना कुछ. मेरे को चाहिए यहाँ पे ए 7.10. ए 2.4 दिया है क्या? और ए 4.9 और ए 0.9 दिया हुआ है. 0.9 दिया, 2.4 दिया, 4.9 दिया. आ कैसे रहे देखो, ये ट्रायल एरर से है, ये शॉर्टेस्ट वे है. जरूरी नहीं एग्जाम में क्लिक करे, अलग अलग वेज है करने का. यहाँ से ए 0.2 आ जाएगा, ए 0.9 बाय 0.10 फिर क्या दिया डेटा 2.4 और 4.2.7, 7.10 इस इक्वेशन से हम लोग सॉरी इस इक्वेशन से ए 0.2 निकाल लिया. 0 से 10 चाहिए, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 10. पॉइंट्स कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा. डेटा क्या क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी लगाएंगे. ए 7.10 हो गया, ए 0.10 बाय ए 0.2 इंटू ए 2.7. ए 2.7 दिया हुआ है, ए 0.10 दिया हुआ है जो अलग से हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब वर्ड्स में दिया है. और ए 0.2 अपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं. यहाँ से क्या आएगा मेरा ए 7.10 आ जाएगा. 1.197 थ्री डेसिमल प्लेसेस तक. ए 0.2 ए 0.9 है, 1.824 1.1 1.45 1.595 1.8 by 1.597 आएगा. कैलकुलेशन चेक करेगा. 1.197 थ्री डेसिमल प्लेसेस तक. एग्जाम में इन बिटवीन कैलकुलेशन में राउंड ऑफ मत करना. अब सोचो कोई, चलो ये फ्रैक्शन तो है ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन नहीं आ रहा होता फॉर्म में, सपोज 10 डेसिमल प्लेस तक रहता, 6 डेसिमल प्लेसेस फिक्स्ड है, 6 डेसिमल प्लेसेस फॉर इन बिटवीन कैलकुलेशंस. फाइनल आंसर राउंड ऑफ कर लो चलेगा, इन बिटवीन कैलकुलेशंस विल बी यूजिंग 6 डेसिमल प्लेसेस. देख लो सबका 1.197 आ रहा है नहीं आ रहा है.